देखो गाइस कीजिए अनुरागन, आपको ये मूवी कैसा लगा? मूवी वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग है। तर के भन्नु है, लास्टमा के भन्नु, अब भन्नु कि नभन्नु है, त्यस्तो ब्लगिङ में, मेरे ब्लगिङ में देखाने के लिए। सो सेक्टेड इधर पर है, तो यहाँ से पहले सुपर जाते वाले रास्ते से। सो हेलो एवरीवन, मेरे पीछे है पैलेस और जस्ट आगे है सेक्टेड। तो करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। हेलो एवरीवन, नमस्कार, खमरी तस्बिले, नमस्ते, मैसेल्फ चिंजी पलपचा, यू आर वाचिंग टीसीएल ब्लॉग यूट्यूब चैनल। सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो थंबनेल वाला टाइटल देखे तो पता चल गया होगा क्या होने वाला है। सो आप लोग सोच रहे होगा कि ये मोटो ब्लॉगिंग छोड़ के मूवी देख के रिव्यू क्यों करने जा रहा है। सो इससे पहले मैंने कश्मीर फाइल वाला वीडियो डाला था, तो वो वाला कश्मीर फाइल का मूवी का मैंने रिव्यू किया था। तो अभी मैं जाने वाला हूँ KGF चैप्टर 2। सो आज सेकेंड डे है, कल रिलीज़ हुआ था तो आज सेकेंड डे, तो टिकट ऑलरेडी ऑनलाइन से बुक कर लिया है। तो मूवी है शाम के 5:30 के, तो अभी हो रहे 4:30। सो अभी मैं हूँ जस्ट पैरिस के नीचे, तो यहाँ से मेरे बाइक के नीचे रोड में, तो थोड़ी देर पहले तो आसमान पूरा ऐसा गरज रहा था बारिश होने के लिए। सो अभी थोड़ा खुला हुआ है, शायद शाम तक बारिश हो सकते है। अभी थोड़ा थोड़ा आप लोग आवाज़ आ रहा होगा पीछे, बादल गरजने की आवाज़ आ रहा है। सो साइट मूवी ख़त्म होते तक तो साइट बारिश हो सकते है, बट अभी क्या करें, अभी मामले टिकट ले लिया है तो मूवी देखना ही पड़ेगा। सो मैंने सोचा था कि थोड़ी देर पहले बारिश हो गई तो मैं बाइक लेके नहीं जाऊँगा, सीधा टैक्सी में सीधा चल के जाऊँगा और ऐसा छोटे मोटे मैं छोटा सा ब्लॉग कर दूँगा। मुझे ये मूवी देखना ही था, क्योंकि ये मूवी 2 साल पहले रिलीज़ हुआ था, उस टाइम मैंने ये मूवी थिएटर में नहीं देखा था। तो ये सेकेंड पार्ट है चैप्टर 2। सो मेरे मन में था कि चैप्टर 1 तो मैं थिएटर में नहीं देख पाया, चैप्टर 2 तो देखी ले चैप्टर थिएटर में, तो उसके यूट्यूब में कल वाला रिव्यू देखा तो बहुत अच्छा है। तो आज मैंने मेरे साथ मेरे दोस्त नॉर्गेन भी है, वो भी देख रहा है मूवी। सो हम दोनों होंगे, सो आज तो पूरा के पूरा वहाँ पर रश होगा। कश्मीर फाइल जैसा वो सा थोड़ा कम ही लोग थे वहाँ पर, तो आज साइट बहुत ज़्यादा होगा या क्राउड भी देखने को मिलेगा। तो लेट्स गो, मिलते हैं आप सबसे सीधा मोटो ब्लॉगिंग में। हेलो हेलो, सो मैं यहाँ से शूट कर रहा था अभी, तो आप लोगों को कुछ नए जगह दिखाने के लिए। सो बाइक है नीचे, अभी चलो बाइक पर चलते। प्योर फ्लेम गाइजर अपना मालिक इंतज़ार कर रहा है। देखो गाइस, शाम तक बारिश हो सकते हैं लग रहा है मुझे ऐसे। तो फ्यूल फोर स्टिक है, मैं लास्ट टाइम गंटू काटे टाइम मैंने रंग रंग में फ्यूल भरवाया था, तो अभी एक बार चेक कर लेते वीडियो रहने। सो यहाँ का रीज़न है आप लोगों को कुछ नया ब्लॉगिंग में मेरे ब्लॉगिंग में दिखाने के लिए। सो सेक्टेड इधर पर है, तो यहाँ से पहले सुपर जाते इस वाले रास्ते से। अभी यहाँ पर ये रास्ता ने इतना अच्छा कर दिया कि ये जितना सेक्टेड का सराउंडिंग में ये सब रोड ऐसा पीस करके रखा है, उसके ऊपर ऐसा पत्थर छोटा छोटा पत्थर लगा के रखा है। तो अभी देखो ना मौसम कैसा होके रखा है, शाम तक तो बारिश हो गया आज 8 बजे तक था। तो यहाँ से जल्दी निकलते और नीचे नॉर्गेन वेट कर रहा होगा मेरा, तो जाके मूवी देखते हैं और आप लोगों को बताते हैं कैसा है मूवी। ये जगह ना यहाँ से ऊपर जाने पर वहीं पर ही निकलते हैं पहले वाले जगह में, एक चक्कर पूरा चक्कर लगा ले मैंने। लेट्स गो गाइस, ओ वाओ वाओ, OMG यार, मैंने बारिश हो सकता है सोच के मैंने रेनकोट भी ले लिया है, बाइक में डाला हुआ है रेनकोट और अम्ब्रेला। शायद बहुत बड़ा बारिश हुआ तो मैं बाइक नीचे रख दूंगा और जल्दी चल जाऊंगा। बारिश ठीक ही हुआ तो मैं रेनकोट पहन के आऊँगा, मुझे भीगने का मन नहीं है ना इस टाइम पे।
तो देखो ना, अभी इतना अच्छा खुला हुआ था, इतना जल्दी मौसम बदल गए। 2-3 दिन में तो सिक्किम में भी बहुत बड़ा बारिश होने के चांसेस हुए। सो अभी तो 2-3 दिन हुआ है, पूरा की पूरा धूप खिले हुए। तो KGF रॉकी भाई को देखने का मन है रे आज थिएटर में। तो एक्चुअली मैंने लास्ट वाले वीडियो में मैं डेंजुंग सिनेमा हॉल से किया था, तो इस बार मेरे मन में आया कि मैं वज्रा सिनेमा हॉल से करूं, क्योंकि नया हॉल भी है तो आप लोगों को देखने का भी मिलेगा अंदर कैसा है। बट क्या है कि वज्रा में जो मेन थिएटर है वो 12-12 स्क्रीन वाला थिएटर, वो वाला अभी मेंटेनेंस में, 2-3 दिन पहले से थोड़ा ख़राब है इसलिए मेंटेनेंस में। तो अभी इसलिए हम डेंजुंग हॉल में देख रहे हैं। तो वज्रा में एक और सिनेमा हॉल है, तो उसका प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव है। अभी डेंजुंग में 140 के आसपास पड़ रहा है, तो वज्रा में शायद उसका कितना है, 400 के आसपास पड़ेगा। आज भी देखो ना इतना ट्रैफिक आज, ऑल दो आज छुट्टी है लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। सब की ट्रैफिक पुलिस को यार इतना दिन भर ड्यूटी करता है, हम लोगों तो 1 घंटे भी ऐसा खड़े होकर रहने पर भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये लोग ना दिन भर हमारे लिए, रोड सेफ्टी के लिए, हमारे सेफ्टी के लिए, पूरा ट्रैफिक क्लियरेंस करने के लिए दिन भर रहते हैं। हैट्स ऑफ ट्रैफिक पुलिस। अब इस टाइम सिक्किम में टूरिस्ट सीजन स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा सा टैक्सी मिलना मुश्किल है, तो सब लोग टूरिस्ट के लिए चला जाता है, तो टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है इस वक्त। तो अभी ड्राइवर लोग तो मालामाल हो चुका होगा, पैसा ही पैसा, कहाँ रखे पैसा। इन केस मेरे को चांस मिला तो मैं 23rd को जो सिक्किम पुलिस का जो अभी 125 ईयर का वो सेलिब्रेशन है, वो रैली 1000 बाइक का, वो वाला रैली में जाने का मन है। इन केस मुझे मिला तो मैं कल जाके पूछूंगा, सो मिला तो वो वाला रैली में चलेंगे माजीतार से सीधा गंगटोक इटारसी व्यू पॉइंट तक। अभी इसके अंदर ना इतना ज़्यादा जाम होता है, देख अबे मूवी खत्म हो गया रे यार। अबे केजब भी देखो लाइन देखो, आम मामा वो MG लाइन है यार। अभी जल्दी जल्दी पक करके आना पड़ेगा। अभी लोग देखो आम मामा कितना ज़्यादा यार। थैंक गॉड कि हमने ऑनलाइन बुकिंग कर लिया। अभी बाइक पार्क करने, ओके सो बाइक को कर लिया पार्क, स्विंग लॉक नहीं करना है पार्किंग करते टाइम। अभी नॉर्गेन कॉल आ रहा था मुझे। सो गाइस देख लेना भीड़, अरे बाप रे KGF का पावर। सो गाइस अभी मैं नॉर्गेन को देख रहा हूँ यहाँ से, कहाँ पर है नॉर्गेन, हम लोगों ने तो ऑनलाइन करके रखा है टिकट। सो गाइस एक मिस कम्युनिकेशन हो गया, मैंने बोला था कि डेंजू हॉल में, वो तो जाके वज्रा हॉल में मेरा वेट कर रहा था नॉर्गेन, तो अभी मैंने कॉल करके बताया कि जल्दी इधर पर, अभी तो 20 मिनट्स लेफ्ट है मूवी होने में, तो इनकेस जाम नहीं है तो वो
पहुँचेंगे, सो वेट करते उसका और निकालते हैं अंदर वीडियो। देखो गाइस लोग देखो तो वो MG वाला लोग है यार, अलग ही यार। जब हम लोग एंड गेम देखने आए थे एडवेंचर एंड गेम, उस टाइम में भी ऐसा ही था लोग। मैं तो 11 बजे से पूरा 5 बजे तक लाइन में खड़ा रहा टिकट के लिए, तभी जाके मिला। सो गाइस एक दिक्कत हो गया यार, उसको टैक्सी नहीं मिला है वहाँ से। अबे यार लोग अंदर जाने शुरू हो गया, कब मिलेगा यार? अब इसको आने में कम से कम 20 मिनट लगेगा यहाँ तक। ओ का भयंकर वाला हो गया रे यार KGF। तो गाइस मैं पहले जा रहा हूँ और सीट बुक करके रखेंगे अंदर और फिर वापस आएंगे उसके लिए। तभी ऑनलाइन का कैसा टिकट देखा दे, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तभी पहले दिखाना पड़ेगा टिकट। चलो छोड़, देखो यार क्या लग रहा है। तो गाइस ऑनलाइन वाला जो टिकट है यहाँ से लेने पाते हैं, हम लोगों को यहाँ पर टिकट दिखाते हैं और यहाँ से लेते हैं ऑनलाइन वाला। अभी मुझे पता नहीं था ना ऑनलाइन ये ऑनलाइन वाला है। सो गाइस आई हैव गॉट टिकट G8 और ऑनलाइन कैसा है कि आपको यहाँ पर आके जो आप बुकिंग करते हैं उस वक्त आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा, वो यहाँ पर आकर शो करना है और आपको ये टिकट मिलेगा, क्योंकि आपने जिस सीट को ऑर्डर किया वही वाला सीट मिलता है। जी नहीं, मैंने ये सीट बुकिंग किया था इसीलिए ये सीट मिला। तभी नॉर्गिन का वेट करते हैं और अंदर चलते हैं। तो सर ये वज़रा भी वेट कर रहा था मेरा, उठो उठ लो अभी आई ना यहाँ हम लोग गोलाली बोल दीजिए ना अंदर बोल ना दीजिए। हेलो गाइस, बड़े सपोर्टिंग TCL ब्लॉक। सो वो यो त लाने पर्छ नि, तिमीले का छोडि राख्छ अगाडि बस्नु पर्यो नि त अनि है अगाडि नै त साह्रो पर्छ छैन अगाडि यो आले नम्बर हुन्छ नि G9 अरे नम्बर याद गर्छु एउटा चम्चा ससाट त छ हाम्रो यो कट्यो G9 त्यो G9 ना मेरो जी। हेलो गाइस मी नोर्गिन प्रिंसिपल के साथ आया हूं। अभी हमारा सीट किसी और आके बैठा था सीट पर, हमारा ऑनलाइन बुकिंग जो किया था इसीलिए उन लोगों को दूसरी जगह पे भेज दिया। सो गाइस कीप वाचिंग TCL व्लॉग्स, कीप सपोर्टिंग, स्टे सेफ, बी पॉजिटिव। शाउट आउट टू TCL व्लॉग। सो गाइस क्राउड कुछ अलग ही क्राउड है यार, अभी मूवी स्टार भी नहीं हुआ इतना ज़्यादा शोर है यार। OMG हवा की फीलिंग यार, कश्मीर फाइल में जितना लोग नहीं था बैठे था यहाँ पर थे जस्ट आई।
कसम है यार, माइंड ब्लोइंग यार यार तू से अच्छी मूवी हीरो मौत हो जा रही इसका ओ एम जी गाइस व्हाट रिएक्शन यार यार अच्छा इतना माइंड ब्लोइंग मूवी था कि आप सब कैसे आके देखें। मैं अभी एक बार अनोरगन से पूछूंगा मूवी कैसा है। अनोरगन आपको ये मूवी कैसा लगा? मूवी वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग है। तर के भन्नु है लास्टमा के भन्नु अब भन्नु कि नभन्नु है त्यस्तो कुराहरू लास्टमा हिरो मर्दो रहेछ हो त्यसमा चाहिँ अलिक राम्रो लागेन नै बात इतना ट्विस्ट है हर एक पार्ट में। ओएमजी ऐसा मूवी शायद कभी देखने को मिले फिर से। सो गाइस मूवी के बारे में बताओ तो बहुत कुछ है मूवी, खुद आप लोग आके देखें मूवी कैसा है। सो मैं कहता हूँ ये एक क्या कहूँ, मैंने आज तक इतना मूवी देखा लेकिन ऐसा ये वाला मूवी अभी तक नहीं देखा। सचमुच मेरे दिल से कह रहा है ये मूवी बहुत ही अच्छा है। मैं आज से दो दिन बाद ये वीडियो अपलोड करूँगा। सो तब तक भी शायद मुझे लगता है कि दो तीन हफ्ते तक ये मूवी चलेगा। तो प्लीज़ आके आप लोग नहीं देखा है तो देख लेना थिएटर में। ऐसा मोबाइल में लैपटॉप में देखने से उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि आप लोग खुद आके थिएटर में आके देखते हैं। सो प्लीज़ एक बार ये मूवी देखना। और क्या यार रॉकी का इतना अच्छा एक्टिंग यार, कह नहीं सकते कि मूवी इतना बढ़िया है यार। आप लोगों के पूरा के पूरा 70-80% VFX से यूज़ किया गया है लेकिन जिस तरह से उसका स्क्रिप्ट और पूरा सीन जो दिखाया गया है मूवी में माइंड ब्लोइंग, कोई शक ही नहीं है यार। इतना दुख है कि लास्ट ओवर में क्या कह रहे हैं, कुछ मूवी ऐसा होता है कि सस्पेंड रखते हैं फिर से बाद में आने के लिए, लेकिन इसमें लास्ट मूवी में एंड में ऐसा होता है कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। हम लोग सोचे हैं कि मूवी ऐसा होगा बट इतना दिल इतना टूट जाता है कि मूवी जब ख़त्म होता है ना आपको और बार बार देखने का मन करता है वो मूवी। क्या बोलो यार, जो भी हो चुका। सो करते आज के लिए इतना ही, तो मिलते आप सबसे अगले ब्लॉग में। तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, ऐसे वीडियो लाता रहूँगा ब्लॉग। अभी दूसरा मूवी कबड्डी 4 भी मैं ऐसे रिव्यू करके दूँगा। सो मिलते आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, शाइनिंग ऑफ स्विच का लक्ष्य।